देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी का पारा हर बढ़ते दिन के साथ घटता जा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के लोधी रोड में आज न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह में दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को सड़क पर लाइट जलाकर अपने वाहन चलाने पड़े। घने कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर फॉग अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। इसको लेकर IMD ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। इसको लेकर IMD ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आज किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। बर्फीली हवाओं की वजह से बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। आइए जानते हैं अगले 3 दिन का तापमान कैसा रहेगा। 6 जनवरी, बहुत घना कोहरा, दिन में धूप नहीं निकलेगी। 7 जनवरी, दिन में धूप नहीं निकलेगी, कोहरा बना रहेगा। 8 जनवरी, बहुत घना कोहरा रहेगा, दिन में धूप नहीं निकलेगी। बढ़ती सर्दी और तेज हवाओं से हाल फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं की जा रही है। अब जानते हैं प्रमुख राज्यों का तापमान और वहां की विजिबिलिटी। जम्मू और कश्मीर में न्यूनतम तापमान 7 रहा। वहीं विजिबिलिटी जम्मू में 25, पंजाब में तापमान 5 डिग्री, राज्य के भटिंडा शहर में विजिबिलिटी 0, हरियाणा में 9, चंडीगढ़ में आज तापमान 6 डिग्री रहा, वहीं विजिबिलिटी 25, उत्तराखंड में तापमान 1 डिग्री रहा, वहीं देहरादून में विजिबिलिटी 200। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कोहरा कम हुआ है, गंगानगर और चारू में 25-25 विजिबिलिटी। बिहार के पटना में तापमान 9 डिग्री, विजिबिलिटी 25। पश्चिम बंगाल में तापमान 13 डिग्री, सिलीगुड़ी में विजिबिलिटी 100। मध्य प्रदेश में तापमान 7, ग्वालियर में विजिबिलिटी 25। अगले 24 घंटों तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी हिस्सों में घना कोहरा रहेगा, जबकि राज्य के ज्यादातर पश्चिमी इलाकों और पूर्वी हिस्सों में शीतलहर रहेगी। बुधवार को राज्य के अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद में दिन के तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के बाकी सभी मंडलों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगर लोग सर्दी में बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर पहने। IMD के मुताबिक दिल्ली में शीतलहर जारी है, जिसकी वजह से तापमान भी कम है, जिसके कारण सर्दी बनी हुई है। की वजह से अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हालांकि दिल्ली में कोहरे की स्थिति में सुधार है, अगले 24 से 48 घंटों तक के लिए शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है।